हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक यूट्यूब शॉर्ट्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि आप सबने मुझसे बहुत बार पूछा है, कभी इंस्टाग्राम पर डीएम किया है, कभी किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए दैन डोंट फोरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप लोगों का सबसे क्वेरी था वो था कि यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। आपने कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस अपलोड नहीं किया है, सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड किया है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा? क्योंकि अभी 1 फरवरी से, जैसा कि हम सबको पता है कि 1 फरवरी से यूट्यूब शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होंगे, मतलब अगर आप शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करते हैं तो उसके जरिए भी आपको अर्निंग्स होंगे। वो 1 फरवरी से ऑलरेडी अर्निंग होना स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अब अगर आपने कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आपने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किया है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा? या अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब चैनल ओपन करना और आप चाहते हैं कि सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोज ही मैं बनाऊंगी और मैं उससे अर्निंग्स करूंगी, तो ये क्या पॉसिबल है या नहीं? तो इस ये सबसे ज़्यादा डाउट था आप सबके मन में। तो लेट मी क्लियर दैट विद यू ऑल। हाँ, अभी शॉर्ट्स के जरिए यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इज पॉसिबल। ये यूट्यूब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 1 फरवरी मॉर्निंग को यूट्यूब की तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिस वीडियो में शॉर्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे आप सबके, वो सब क्वेरीज को उन्होंने सॉल्व किया है। एंड उनमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था आप सबके, वो था कि शॉर्ट्स के जरिए आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। वो भी यूट्यूब ने काफ़ी क्लियर तरीके से हम सबको बता दिया है ऑलरेडी। और भी कई सारे शॉर्ट्स से अर्निंग के बारे में उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, हम सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने शॉर्ट्स का जो अर्निंग है वो चेक कर सकते हैं, किस तरह से उस अर्निंग को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब जानकारी अगर आप सबको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। बट फिलहाल आज का वीडियो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड टू द पॉइंट। मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताऊंगी कि शॉर्ट्स के जरिए किस तरह से आप अपने चैनल को मोनिटाइज कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर होना ज़रूरी है चैनल को मोनिटाइज होने के लिए। शॉर्ट्स के लिए भी वो लागू है। मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए मोनेटाइज होने में। या फिर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं बट आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होना मस्ट है चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। अब बारी है वॉच टाइम की। जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है उसके लिए है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम। बट शॉर्ट्स में ये पॉलिसी यूट्यूब ने किया है कि 90 दिनों में आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज होना जरूरी है। जितने भी शॉर्ट्स आपने अपलोड किए हैं सबके जो भी व्यूज है उनको एक साथ काउंट किया जाएगा, और जो 90 डेज का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर आपके शॉर्ट्स में व्यूज होना है 10 मिलियन। अगर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए तो आपका जो चैनल है वो सिर्फ शॉर्ट्स के जरिए भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि ये क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि 4000 घंटे का वॉच टाइम कई सारे क्रिएटर्स को प्रॉब्लमेटिक लगता है। इनिशियल स्टेज में इतने घंटों का वॉच टाइम लाना अपने चैनल के लिए, अपने जो स्मॉल चैनल है, जो नया चैनल है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट शॉर्ट्स आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं। 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज आप सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करके भी पा सकते हैं, एंड उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे कि आपको अर्निंग्स होंगे। एंड यूट्यूब अर्निंग्स आर वेरी वेरी अमेजिंग, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है जब मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई भी पेमेंट रिसीव होता है। तो सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।